एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। एनर्जी मिलने और हमारे सो गाइस आप मॉर्निंग राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और किचन मेरी क्लीन है, बिल्कुल साफ किया है, नाश्ता बनाया था। वैसे तो मुझे ना आज आलू के पराठे बनाने थे, लेकिन किसी रीजन से नहीं बनाए, क्योंकि फिर आलू के पराठे खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो सिर्फ मैंने परी के लिए सिंपल वाले अच्छे से तिकोने पराठे बनाए। बाहर धूप निकली हुई है अच्छी सी, और कपड़े मैंने धो लिए हैं, 2-3 बार धोए, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। तो मैंने अब धो के सारे कपड़े जो धुल कर सूख गए हैं वो इधर हैं, ठीक है, इनकी मैं तह बना रही हूँ। ठीक है, झाड़ू पोछा करना है मुझे। करती हूँ मैं अभी के, सॉरी, कहीं इधर उधर जाना होता है, सब्जी पैक करनी होती है हस्बैंड जी के लिए और परी के लिए अचार वगैरह, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे छोटी बोतल हो गई, तो इसमें मैंने रखी हुई थी। और हुआ क्या, जिस दिन बारिश आई थी ना, ये यहीं पे रखा था, मुझे पता नहीं चला, थोड़ा अंदर पानी आया, गेट खुला हुआ था, तो वो भीग गया और ये खराब हो गया है। अभी तो नहीं, मुझे कहीं जाना है तो मुझे जल्दी जल्दी क्लीनिंग करनी है सारी। बाथरूम क्लीन करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, इसमें नहीं करेंगे, इसमें बस नॉर्मल क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि इस वाले बेड की मुझे बेडशीट डालनी है। ये गद्दे का कवर मैंने बनाया हुआ वही है, तो मैं सिर्फ क्लीनिंग करूंगी और बेडशीट वगैरह लगाऊंगी, कपड़े लगाऊंगी, बहुत सारे काम है। अकेले करती हूँ, क्यों करती हूँ अकेले बताती हूँ, कि मेरे हस्बैंड जी का जो ऑफिस है ना गाइस, उनकी शिफ्ट का, उनकी ड्यूटी का कुछ पता नहीं होता, किस टाइम लग जाए, कब लग जाए, मतलब कब जाना होता है। बच्चे हैं, स्कूल से भी लाते हैं वो, तो वो बहुत सारी चीजें बाहर की नहीं देख पाते हैं, टाइम पर नहीं होते हैं, तो मुझे ही देखनी रहती है। राशन वगैरह भर के रख दिया है, क्योंकि अभी नहीं भरना है मुझे। मैं डब्बे वगैरह क्लीन करती हूँ, धूप लगाती हूँ, जो बची हुई दालें वगैरह होती है उनको, उसके बाद में भरती हूँ। सो अभी फटाफट लग गया है ना। तो मैं सुबह ही ली थी, लेकिन मुझे कहीं जाना था तो मैंने ये सूट पहना था, और बाहर से जब आते हैं ना तो पसीनों में भीग जाते हैं, तो बिंदी वगैरह का तो पता ही नहीं रहता। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम मेकअप भी कर लिया करो। सो भाई बताऊं सच में कि मैं मेकअप बहुत ही कम करती हूँ, ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेकअप नहीं है या मैं कर नहीं सकती या कुछ दिक्कत है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना होना चाहिए लाइफ में उतना तो है, ठीक है, बाकी अपनी मेहनत से कमाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर ये कपड़े छांट रही हूँ,
क्योंकि मुझे ये प्रेस करने हैं, जो भी मुझे कपड़े प्रेस करने होते हैं ना मैं यहाँ पर रख देती हूँ गद्दे पे। ये देखो मैं ना अभी के कपड़े लाई हूँ, सेम पैम्पलेट जैसे है बट कलर ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला कलर है, बहुत सुंदर लग रहा था। लाई तो थी गांव में पहनने के लिए लेकिन वहां की गर्मी देखकर ना मैंने उसके कपड़े चेंज ही नहीं करे और वो ऐसे ही घुमा। वैसे तो दीदी के घर में एसी लगा हुआ है और मैं वहीं पढ़कर सो गई, ठीक है। बस मेरा यही कहना था कि आपको हर कोई धोखा दे सकता है, चाहे वो रिश्ता हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है, एनी बडी, लेकिन आपको आपकी मेहनत नहीं धोखा दे सकती। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सुनो सबकी, करो अपने मन की। पहले क्या था कि पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि बहुत सारे लोग मुझे हर्ट करते थे, अगर मैं लोगों के साथ अच्छा कर रही हूँ और वो लोग फिर भी मेरी बुराई कर रहे हैं तो मुझे ना उस चीज से प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसी, मैंने तो ऐसे व्यवहार किया था, जिनसे मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी तू मैं भी नहीं हुई, आप सोच सकते हो वो भी लोग मेरी बुराई करते थे। पहले फर्क पड़ता था, अब फर्क नहीं पड़ता। अब बस एक चीज मेरे पापा ने मुझे बोली कि जो जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसे ही समझता है और लोग अपनी मानसिकता की वजह से हमारी तुलना करते हैं, हमारे बारे में अच्छा या बुरा बोलते हैं। अगर लोग मेरा मन अच्छा है तो मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगी, अच्छा बोलूंगी, मुझे आपकी अच्छाई दिखेगी, और अगर मेरे अंदर बुराइयां भरी हुई है तो मैंने, अब चलते हैं किचन में, बनाएंगे कुछ खाने पीने की चीजें, और क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। सब अपने अपने काम में लगे हुए, सब अपने, यानी कि मैं अपने काम में, परी अपने काम में और अभी अपने काम में, तो मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, सफाई अभियान सबका चल रहा है, सब अपना अपना कर रहे हैं। मैंने परी को इस तरीके से चीजें अब कराना शुरू कर दिया है, मेरी भी हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि काम में मेरी हेल्प नहीं करती, चाय पानी दे देगी, अभी को भी थोड़ी बहुत देर रख लेती है, तो बहुत सारी चीजें मेरी बेटी अब करने लगी है। तो यहाँ पर ये वाले जो किचन के डब्बे होते हैं ना वो सब हमने निकाले हैं, और गर्मी इतनी है गाइस कि बेहोश हो जाए, नहीं गर्मी है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा रखा है, सरसों का तेल है इसलिए थोड़ा सा झांझ निकलने के लिए। पर मैंने घोली है कढ़ी, लस्सी में घोल दिया है बेसन, बाकी तो मैं बाद में डालूंगी। पकौड़ी के लिए बेसन घोल के रखा हुआ है, और इसी के साथ में मैंने एक काम करा, ये देखो मिक्सी के ढक्कन में अभी भी लगा हुआ है, मैंने बनाया है धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, क्योंकि सब्जियों में मैं मोस्टली ज़्यादा गर्म मसाले यूज नहीं करती, और अगर करती भी हूँ तो अपने घर से बना कर करती हूँ, खुद बनाती हूँ। आप लोग, कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा है, पीछे ठाकुर जी बैठे हैं। सो गाइस, गर्मी बहुत लग रही है, बहुत मन, बहुत ज़्यादा मेरा हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैसे काम करूँ, लेकिन अभी मुझे सिलाई का काम भी करना है, और ये कर मैं पकोड़े बना लेती हूँ, तो पकोड़े मेरे ऑलमोस्ट बन गए हैं, एक दो और बनेगा और हो गए हैं। इधर मैंने छीले आलू, थोड़े से आलू भी डालूंगी क्योंकि हस्बैंड जी को ऐसे ही पसंद आते हैं, वो ऐसी पकोड़ा वाली कढ़ी, आलू डले हुए पकोड़े में। वैसे तो मैं बेसन का जो पेस्ट होता है ना उसमें कस के ना आलू डाल लेती हूँ,
ग्रेट करके, लेकिन क्या हुआ कि मेरे छिले वो मिला ही नहीं, पिलर यानी कि आलू छिलने वाला चाकू मुझे मिला ही नहीं, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ा। पकौड़े मेरे हो गए हैं, थोड़ा सा मैंने तेल चढ़ाया था क्योंकि फिर है ना वेस्ट जाता है, बच जाता है, और ज्यादा पका हुआ तेल मैं नहीं यूज करती बार बार, की पके हुए तेल को आप खाने में यूज करो, तो थोड़े में काम कर लेती हूँ थोड़ा। हाँ रुको एक मिनट रुका, क्योंकि मैं बिना प्याज का चटनी को भोग लगाती हूँ इसको ऊपर आ रहा, तो इसलिए मैंने प्याज के पकोड़े नहीं तले हैं। ये देखो ऐसे गाइस मुझे खाना बनाना रहता है, ये लड़का यहीं पे खड़ा रहेगा। आज कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि गांव से लस्सी आई थी और सोचा कि जब कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर कर लूँ। पर ही लेकर आई है लस्सी, तो एक्स्ट्रा का ऑयल गाइस निकाल दे रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी मेथी दाना, फिर हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि दिक्कत होती है फिर, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, परी कम खाती है मेथी दाना। खड़े हो जाओ बेटा। सो गाइस मेथी दाना हो गया, डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च और ये है थोड़ा सा धनिया, इसको मैं ऐसे हाथ से रब करके डालूंगी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल दिए मैंने इसमें आलू, डाल रही हूँ। आलू को धोकर मैंने पोंछ लिया था कपड़े से तब डाला है, वरना फिर पानी चढ़ 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 करता है इसमें, और मेरे पास अभी खड़ा है तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना होता है। सो गाइस आलू फ्राई हो गए हैं, अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, ज्यादा ही डलेगा क्योंकि खटाई की वजह से ना हल्दी का कलर कम आता है, इसलिए हल्दी। और ये मैंने लिया ही पहले ही निकाल लिया था क्योंकि अभी ये खाद पे बैठा है मेरे। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, और मैंने धनिया पाउडर भी बना के रख दिया है, पर पता नहीं कहाँ रख दिया, मैं भूल गई उसको रख के। हाँ बेटा हाँ तो इसको चला देते हैं अच्छे से, हो गया ये। और इधर मैंने पकौड़े को भिगो दिया है लस्सी के अंदर ताकि ये अच्छे से फूल जाए। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये लस्सी, सो गाइस कड़ी मैंने छोंक दी है, इसको उठाते नहीं है बस चलाते रहते हैं ताकि लस्सी फटे नहीं। और अब ये है, इसमें मैंने धनिया पाउडर बना के रखा हुआ है, ये डालूंगी, अभी बनाया है ठीक है, तो इसमें डाल देंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, खदक जाएगी। तो गाइस बचपन में ना मम्मी कढ़ी के साथ अक्सर गर्मियों में दलिया बनाया करती थी, तो मैंने भी आज बनाया, और परी को दलिया नहीं खाना कढ़ी के साथ, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कि गर्मियों में दलिया खाना बहुत ठंडा रहता है टेक्सचर के हिसाब से, कि उसकी तासीर ठंडी होती है दलिया की। तो मैंने दलिया भिगो के रखा है, थोड़ी सी देर के लिए भिगोऊंगी, फिर मैं उसको उबाल दूंगी, अच्छे से बन जाएगा। कढ़ी को खदकने के लिए छोड़ दिया ताकि उसमें अच्छे से उबाल आए, पतला किया है ताकि धीरे धीरे वो खदक खदक के गाढ़ी हो, ना कि ऐसी गाढ़ी छोड़ू ताकि उसमें टेस्ट आएगा। सो अभी उसमें लहसुन प्याज का तड़का मैं लगाऊंगी बाद में, और ये दोनों बहन भाई अंदर हैं, एसी चला रखा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना अभी के लिए, तो डॉक्टर ने स्पेशली बोला हुआ है कि इसको ठंडी उसमें रखो, तो साफ सफाई चल रही है गाइस। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।